करती हैं। तो राष्ट्र कैसे कमजोर है, क्योंकि समाज कमजोर है, क्योंकि समाज में स्वार्थ है, समाज स्वार्थी हो गया, लालची हो गया, पद पाने के लिए उसने विचारधारा छोड़ दी, अपना मजहब धर्म छोड़ दिया, उसने अपनी पहचान छोड़ दी, वोट मिल जाए इसलिए तिलक मत लगाओ, वोट नहीं मिलेंगे इसलिए चुटिया मत रखो, वोट नहीं मिलेंगे इसलिए सनातन को गाली दो, किसी का मत प्राप्त करना है, किसी से दोस्ती रखनी है तो वो अपनी आपकी पहचान पे आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। मंदिर जाने से आप कमनल हो जाएंगे, पूजा करने से आप कमनल हो जाएंगे। तो आपने धीरे धीरे दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पहचान मिटा दी और अब आपकी कोई पहचान नहीं है। तो इंग्लिश आपकी पहचान नहीं है, उर्दू आपकी पहचान नहीं है, संस्कृत आपकी पहचान थी, वो बोलना नहीं चाहते, उसकी बात नहीं करना चाहते। लेकिन क्या मेरे बच्चे को, क्या सरकार ने मुझसे कहा है, क्या सरकार का कोई कानून है कि भाई आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना, किसी ने कहा है? क्या सब लोग अंग्रेजी पढ़ने के बाद ही तरक्की करेंगे? क्या वो किताब में अपने बच्चे को पढ़ाऊं जिसमें जेंटलमैन की परिभाषा लिखी हुई है, जो तीसरी क्लास का बच्चा जेंटलमैन पढ़ रहा है और जेंटलमैन के सामने एक तस्वीर बनी हुई है, एक आदमी चश्मा लगाए है, टाई लगाए है, कोट लगाए है, पैंट पहने खड़ा हुआ है, उस बच्चे के मन मस्तिष्क में यही दृश्य बनेगा, जेंटलमैन का मतलब है द पर्सन हु इज वियरिंग कोट टाई हैट चश्मा। उसे घर के अंदर अपने समाज में कीचड़ में सने हुए पैर, मुंह पे मट्टी, कंधे पे हल रखा हुआ वो पाप, और वो पिता जो चोर है, उसके संस्कार, उसकी सोच, उसकी आस्थाओं में भारत बसता है। न वो किसी को मारने की बात करता है, न किसी को लूटने की बात करता है, न वो चीट करने की बात, लेकिन उसका इस मट्टी में सने हुए पैर होना, कंधे पे हल पे मट्टी लगी होना, स्वाफा बदा होना, गंदी मिट्टी में उसका शरीर होना, ये जेंटलमैन की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि हमने अपने बच्चे को बताया यह है जेंटलमैन मतलब अंग्रेजी टाई, इसलिए वो बच्चा अपने पिता को देख के उसे जेंटलमैन नहीं कहता, वो उसे कहता है, उस चोर अंग्रेज को कहता है जिस चोर अंग्रेज ने इस भारत को लूटा, जो चोर यहां आए थे। इसलिए जब आपने प्रश्न किया कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, एक पहला काम करें, मैं सिर्फ कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये अंतिम ही हो, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कोई पढ़ वढ़ के नहीं बोलता हूं। आप जहां रहते हैं, आप जिस परिवार में रहते हैं, पहला काम शुरू करिए। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस शब्द को अपने घर और परिवार और मन मस्तिष्क से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। आप तय करेंगे, मेरे बारे में लोग वो सोचेंगे जो मैं चाहता हूं, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए अपनी पहचान से शर्माइए मत, इस बात की चिंता मत कीजिए कि अगर आप धोती पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे तो आप समाज में कुछ बेवकूफ से लगेंगे, ये मत पहचानिए। दुनिया में छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए गोल टोपी लगाए घूम रहे हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? उन्होंने पहचान नहीं छोड़ी अपनी, वो झूठी है, अच्छी है, बुरी है, मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन आपने पहचान छोड़ी, आप अपने बच्चे को संस्कृत स्कूल में नहीं भेजते। इसलिए अपनी पहचान पे पहले ऊपर गर्व कीजिए कि हम कौन हैं, हम किसके वंशज हैं। ये इरफान हबीब और रोमिला थापर का इतिहास नहीं है, हमने तो पहली बार देखा जिंदगी में कि 29 साल की महिला को देश का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी, 29 साल में कौन सा ऐसा इतिहास जान गई थी कि वो इतिहास लिख रही थी, लेकिन हुआ। ये सरकारों ने कुकर्म किया, लेकिन सरकार सब कुछ नहीं बताती। महाराणा प्रताप के शौर्य की कहानी सरकार बताए ना बताए, गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले पहुंची हुई है, वही असली इतिहास है। इसलिए पहले अपनी पहचान पे गर्व कीजिए, और अपने मोहल्ले में जहां रहते हो वहां कोई भी टूटा हुआ मंदिर हो, किस देवी का है इसमें भी मतलब नहीं है, सिर्फ हफ्ते में एक दिन जाके उसकी सफाई करिए। और अगर कोई वो जाति से ब्राह्मण है नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी पढ़ा लिखा है वो ब्राह्मण है, जो भी बहादुर है वो दलित है, यादव है, ओबीसी है, कोई हो, जो बहादुर है, जो सेना में है वो क्षत्रिय है।
अपने मोहल्ले के छोटे से छोटा कोई मंदिर हो, जाइए उसकी सफाई कीजिए, चंदा इकट्ठा करके अगर वो थोड़ा टूट फूट गया ठीक करिए, और उस मंदिर में एक बार जाएं तो मैसेज जाएगा। ये टाई लगाए हुए लड़का, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला लड़का अपनी रूट्स की तरफ लौट रहा है। ये 2014 के बाद से ऐसे ही नहीं लोग सीए के सिल शाहीन बाग पे बैठ रहे हैं, ये ऐसे ही किसान आंदोलन की आड़ में जो देशद्रोही ताकतें बैठी हुई हैं, ये अमेरिका के इलेक्शन में, ये लंदन के, इंग्लैंड के इलेक्शन में ऐसे ही नहीं भारत की चर्चा हो रही। इसलिए हो रही है कि वो भी जानते थे कि हमने इनको जो घुट्टी पिलाई है, जो हम मैकाले की शिक्षा देके गए हैं, ये मैकाले की शिक्षा के जो नाजायज औलादें थी उनके अब सत्ता से हटने का समय आ गया है, और अब वो लोग पैदा हो रहे हैं जो अपनी हजारों हजारों साल पुरानी परंपराओं पे, आस्थाओं पे, गुरुकुल पे यकीन करने लगे हैं। और अगर इन्होंने यकीन कर लिया और एक बार को अपना पुरुषार्थ दिखा दिया तो ये पूरा वेस्ट, ये पूरी तरक्की का मॉडल जमीन में ध्वस्त हो जाएगा। और इसीलिए हम कोई 1947 से नहीं कह रहे थे कि विश्व हमारा, विश्व कुटुंबम की बात हम 47 से नहीं कहते थे, हम हजारों हजारों साल से कहते थे। लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि हमारी सदनशीलता के, हमारी मानवता के चलते कुछ 1400 साल पहले लूट बलात्कार की सभ्यताएं इस देश को हमारे साथ रहते रहते नष्ट कर देंगी। इसलिए आधुनिक युग में अपनी सोच को बदलिए।